पर ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होता है कि ये या, वाला जो नशेड़ी बोलते हैं, सुनचंद रास्ते में मत रुकना। यस यस। हे गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल 05 VYKR। और आज हम कर रहे हैं नाइट ट्रिप सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, काफ़ी एडवेंचर भरा हुआ रोड है, काफ़ी हॉरर रोड है जैसे लोगों ने बताया है। दो रूट थे, दो रूट में से ये जो रूट है ये ज़्यादा नाइट में काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। उसका कारण ये है कि जो रेलवे क्रॉसिंग है ना, वो कंटिन्यू मतलब रोड को क्रॉस करती हैं, तो इसलिए हम कंटिन्यू स्पीड में भी गाड़ी नहीं चला सकते। और नाइट में यहाँ पर आप देखेंगे एनिमल जो है ना, एनिमल रोड क्रॉस करते हैं नाइट में। एनिमल में हाथी यहाँ पे रहते हैं, और काफ़ी जगह बोर्ड वगैरह भी लगे हुए देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं जैसा कि लोगों ने बताया है, और नाइट में यहाँ पे कहीं पे भी नहीं रुकना है, कंटिन्यू हम ट्रेवलिंग करते हैं और देखते हैं कैसा सीन रहेगा। लेट्स गो। ये जो जोन है ये एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है, कभी भी एलिफेंट यहाँ से मूव होते हैं इधर से उधर। काफ़ी रिक्सी रोड है, बहुत रिक्सी रोड है, दो से तीन बार बोर्ड भी लगा है। ये वापस से अगेन क्रॉसिंग, कोई हलचल महसूस
महसूस नहीं हुई है। नज़र चारों तरफ है, दसवीं बार क्रॉसिंग, बार क्रॉसिंग किया, ऊपर कब्र के निशान लगे हुए हैं जो चर्च मतलब कब्र होती हैं। बार भी बार दार्जिलिंग 62 किलोमीटर विजिबल हो रहा होगा या हो गया होगा। अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो ट्रेन टॉय का आनंद बहुत शानदार जोरदार रहेगा। एक बरगद का पेड़ से गुजर रहे हैं, छोटा सा कर लेते हुए बहुत पुराने पुराने घर दिख रहे हैं। ये व्यू बहुत शानदार दिखने के लिए मिल रहा है अगर दिन होता है तो। एंजॉय द ब्यूटी और नेचर एट अ स्लो स्पीड। आप नेचर को एंजॉय करें स्लो स्पीड के साथ में। रात के 10:23 हो चुके हैं, नाइट का व्यू बहुत ही डरावना फील हो रहा है। अब कहां से जाना है ये समझ नहीं आ रहा है। पिंक थाना की, अच्छा ये स्कूल के लिए ऊपर जाना है। लेफ्ट साइड पर एक टेंपल है, मंदिर है। डॉगी अच्छे हैं, रात में पीछे नहीं पड़ते हैं। कुत्तों की जो आदत होती है ना डॉग की, नाइट में गाड़ियों के पीछे पड़ जाते हैं, बट अपनी स्पीड भी इतनी मेंटेन है कि पीछे नहीं पड़ते हैं। जो हाई स्पीड रहती है ना तब पीछे पड़ते हैं, कार के पीछे बाइक के पीछे लग जाते हैं। सोनाडा घूम घूम दार्जिलिंग, सामने बहुत ही सुंदर व्यू देखने के लिए मिल रहा है। माउंटेन्स एरिया, प्लीज इफ यू ड्राइव को टेंपल दिख रहा होगा। वो है कंटिन्यू एनिमल्स अलर्ट बोर्ड लगे हुए हैं,
रेलवे स्टेशन आ गया है ये। दिस इज अ रेलवे स्टेशन। सुनसान एरिया कंटिन्यू चालू हो गया है। और अगर ये वाला व्यू आपको बहुत इन्जॉय के साथ में कैप्चर करना है तो आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में आए। अर्ली मॉर्निंग का बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और भी इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप बारिश में आए। 110% आपको जो ये चार्ज होता है इसका ट्रेन का, टॉय ट्रेन का, आपको वो फुल एंड फुल सेटिस्फाइड रहेगा। क्योंकि बारिश के बाद बहुत घना जंगल और भी बढ़ जाता है। जंगल कंटिन्यू अभी भी घना है, हरियाली है, बहुत ज़्यादा हरियाली है। फिर वापस से चढ़ाई, खतरनाक इट मीन्स सुनसान घना जंगल वाली ढलान। अभी स्पीड जो चल रहे हैं हम वो 28-27 की स्पीड पर चल रहे हैं। ऊपर से कंटिन्यू कुछ पत्ते गिर रहे हैं, बीच बीच में कुछ झाड़ से पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब ये होता है ऊपर पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हुए हैं या कुछ एनिमल्स वगैरह कुछ जो होते हैं वो पेड़ पर बैठे हुए होते हैं। और थोड़ा सा जैसे ही वो कुछ मूव करते हैं तो पेड़ नीचे, पत्ते नीचे गिरते हैं। आप नाइट में किसी भी पेड़ के नीचे अगर आपके देखते हैं कि बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पेड़ पर कोई एनिमल है। अगर उस पेड़ पर कोई एनिमल है तो वो दो तरीके के एनिमल होते हैं, या फिर कुछ जो रात में मूव करते हैं वो एनिमल रात में अपना खाना खाते हैं, शिकार करते हैं। वो एनिमल अगर पेड़ पर है तो नीचे बहुत सारे पत्ते गले होंगे। अगर कुछ थोड़ी से पत्ते हैं तो हो सकता है वो एनिमल थोड़ा बहुत मूव कर रहा है। अभी एनिमल की कोई भी गतिविधि नहीं दिख रही है। विलेज का नाम डंके कोटी। यहाँ पर सभी लोग, ज़्यादातर लोग सभी हेल्पफुल हैं। और नीचे भी जो दोस्त मिले हैं वो सभी हेल्पफुल हैं। राइड स्टार्ट करते हुए भी जो दोस्त मिले थे वो सभी हेल्पफुल हैं। कहीं पर भी जाते हैं, नई प्लेस पर जाते हैं तो काफ़ी अच्छे हेल्पफुल लोग मिलते हैं। उनसे जुड़कर मोटिवेशन मिलता है। ठंडी बढ़ती हुई जा रही है, ठंडी बढ़ती हुई जा रही है, कंटिन्यू ठंडी बढ़ती जा रही है। सुनसान एरिया और भी चालू हो गया है वापस से। राइट हैंड पर रेलवे ट्रैक के साथ में हम चल रहे हैं। ऊपर जंगल और ठंडी बढ़ती हुई। ठंडी काफ़ी बढ़ती हुई।
कुछ ऐसा लगा जैसे एनिमल की आवाज़ आई है। नारियल के जैसे पेड़ देखने के लिए मिल रहे हैं, बट वो नारियल के पेड़ नहीं है, नाम नहीं पता। अभी दो बार हमें जंगली कैट, जो जंगली बिल्ली बोलते हैं, वो देखने के लिए मिली है, जो सिर्फ आप पहाड़ी बिल्ली भी बोल सकते हैं, बट वो पहाड़ी एक होता है पालतू बिल्ली और एक होता है जंगली बिल्ली। ये जो दो बार आपको वीडियो में देखने मिल रही है वो है जंगली बिल्ली, और एक बार आपको जो देखने मिली है वो है पिंक और येलो और रेड कलर में, जो और येलो और वाइट कलर में बिल्ली थी वो थी पालतू बिल्ली, बट जो ब्राउन कलर में बिल्ली थी वो थी जंगली बिल्ली, जो सिर्फ खेत में और जंगलों में मिलती है। सर्दी बढ़ती जा रही है, राइट हैंड पर छोटी छोटी चिड़िया काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, और सिलीगुड़ी से लेके दार्जिलिंग तक बहुत ही सुंदर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और आप जब भी आए मॉर्निंग में इस चढ़ाई को चढ़ें, ताकि आप नेचर को बहुत ही करीब से देख सकें। और अगर आप बारिश में आते हैं और बारिश के बाद आते हैं, तो आपको जो टॉय ट्रेन है उसमें बैठने का नज़ारा आपको अलग ही मिलेगा, बहुत ही शानदार टॉय ट्रेन, जो टॉय ट्रेन का आप अनुभव करेंगे वो बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही शानदार। चारों तरफ नेचर व्यू रहेगा और आप एक छोटी सी टॉय ट्रेन में सफ़र करेंगे, आप इससे बहुत ही सुंदर छोटे छोटे घर, वाह बहुत ही सुंदर सुंदर घर हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट घर, तो भाई बहुत ही सुंदर। कुछ एनिमल जैसी गतिविधि देखने मिली है, बहुत ही सुंदर सुंदर घर, ठंड बढ़ती हुई, ठंड और भी बढ़ती हुई। दोस्तों 05 वी वाइकर आपको इस टाइप की डेंजरस गतिविधि करने के लिए कभी भी नहीं उकसाता है। 05 वी वाइकर आपको हमेशा कुछ एडवाइस और नए नए आपको सजेशन देता है, सेफ्टी फ्यूचर आपको गाइड करता है। और डेंजर पॉइंट पर गतिविधि करने के लिए आपको मना करता है। 05 वी वाइकर की वीडियो देखकर आप कभी भी ऐसा करने के लिए विचलित ना हो, और 05 वी वाइकर इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। 05 वी वाइकर जो भी वीडियो बनाते हैं वो मनोरंजन के लिए बनाते हैं, उसमें एडवेंचर लाइक हॉरर और साथ ही टूर लॉन्ग राइड एंड ऑल ओवर इंडिया ट्रेवलिंग की वीडियो बनाते हैं।
और आप लोगों का सपोर्ट कंटिन्यू ऐसा बढ़ता रहे ताकि इंटरनेशनल राइड जो कि अभी आने वाली है उसमें भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दें आप लोग, और बाहर भी इंटरनेशनल राइड जाने के लिए जल्दी से जल्दी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो सपोर्ट बनाए रखें। तो बाया बाइक 4 से 5 कंट्री को कवर करेंगे और वहाँ के नए नए नेचर व्यू आपको वापस से दिखाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपने देखा है जो हमारे ब्लॉग होते हैं ना, थोड़ा रिक्स रहता है, रिक्स तो हर चीज़ में रहता है ब्रो, लेकिन अगर आप अच्छे व्यक्तियों से जुड़ेंगे, अच्छे व्यक्तियों से बात करेंगे, अच्छे व्यक्तियों से मिलते हैं तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है। वो कुछ समझ नहीं आया इसलिए, और अचानक आया तो थोड़ा सा डर जैसा फील हुआ। और आप 05वी बाइकर के साथ बने रहें, वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। बहुत ही डेंजरस Hi bro. Hello bro. How are you? Yeah, fine bro. Bro, upar is your camera on or not? Yeah, on. Okay, sorry. You are a vlogger or not? Yeah, vlogger. Actually, I want to avoid your video. Okay. You can ask whatever you want to ask. Okay. No issue. No issue. लेट्स है कि कहाँ क्या है ये क्या है, बस यू हैव टू माइंड इट कि मुझे नीचे भी 3-4 लोग मिले बट नॉट कॉन्टेक्ट, कंटिन्यू करने पर ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होता है कि ये नशेड़ी करते हैं। हाँ, सुनचंद रास्ते में मत रोकना। यस यस भाई, सिखा दो तो अलग भैया ला सिखा दो, सीखो सीखो सीधा सिखा दो, एक घंटे में तो पहुंच जाएंगे आप। हाँ, यहाँ दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे, बस सिखा दो ना, आयल जैसे दो ना भैया ला। हाँ, बस कहीं मत रोक। हाँ, सीधा अंधेरे रास्ते में मत रोकना, ये तो गांव वगैरह है, आपने रोक लिया मेरे को पूछ लिया। अंधेरे जगह जो होते है ना वहाँ पे एक बंदे चल रहा है ऐसे ऐसे हिल के चल रहा है, नहीं जितना भी आपको सुसु आया हो जो भी इमरजेंसी हो मत रोकना, थोड़ा जाके काइंड ऑफ वास्ट एरिया जो होते हैं ना वहाँ जाके पूछ लेना, किसी से पूछ लेना कि मेरे को ये कहाँ पे, मैं अभी कहाँ पे, ये पूछ लेना। बस अंधेरे जगह में मत रुकना। ओके, हर एक जगह आप इंदौर पे मेरे बुलाओ, इंदौर पे बुलाओगे यू ऑलरेडी नो कि आपके जगह पे क्या होता है कि हाँ सही है, राइट कहीं भी देखो हम अच्छे और आपको ऊपर जाके ये नहीं होगा कि अच्छे बंदे मिलेगा। राइट ब्रो, उसी कारण थोड़ा भाई मेरे से, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, भाई को पता है। यस ठीक है, आप यहाँ पे आपको यू विल रीच, एक फोटो ले देता हूँ। वन सेकेंड भाई, फोटो खींचा था गाड़ी छाँव खींचा है, इनकेस भैया ले बोला है, वैसे भैया बोल रहा हूँ, भाई अपना भाई मान के बोल रहा हूँ, खींचा था यहाँ ये उसे आने पर गाड़ी और आने पर था भैया ले बोला विजिबल छाने भाई रहा मैं खींचा ना विजिबल भैया रहा मैं देखा ना गाड़ी चाहे हल्का आवास न बस डन कार्ड लेट्स गो। ओके ब्रो, ओके ब्रो, थैंक्स। कहीं पे बिना रोक के आप सीधे चले जाओ। ओके तो गाइस, ब्लॉग आई थिंक बढ़ रहा होगा, काफ़ी बढ़ गया है। देखो दोस्तों, आप जितना डरेंगे, जो होना है वो होना है, तो होना है, सो होना है, जब जो होना है तो होना है। तो गाइस, हम उस चीज़ को नहीं डाल सकते, लेकिन जैसे कि आप एक चीज़ आपको एग्जांपल देते हैं, अगर आप किसी भी रोड से जा रहे हैं और 20 से
40 की स्पीड में जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने होते हैं आप खुद समझिए। और कहीं पर अगर आप जा रहे हैं और 100 से 120, 130, 140 की स्पीड पे अगर आप जा रहे हैं तो आप बताइए एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस हैं। तो समझ गए ना, डिपेंड ऑन मतलब परसेंटेज हमने बढ़ा लिया ना, परसेंटेज जो है। अब फिर इसके बाद होती है आपकी किस्मत। बहुत ही डरावना कुत्ता, कहीं पर कैंप लगा सकते हैं क्या? बिकॉज